रोमांटिक स्टोरीज के ऊपर यूं तो इंडिया में हर साल सैकड़ों की तादाद में पिक्चरें बनती हैं, लेकिन अगर उसे अनुराग कश्यप बनाए तो वो एक बिल्कुल ही नए तरीके की लव स्टोरी होगी। मनमर्जियां एक ऐसा ही लव ट्रायंगल है जिसमें एक तरफ है अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल और दूसरी तरफ है तापसी पन्नू। तो चलिए देखते हैं मनमर्जियां का ट्रेलर, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रोज चटोस को और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगली पेशकश है हमारे यंग दोस्तों के लिए जो प्यार नहीं प्यार करते हैं। डीजे सैंस प्रेजेंट्स F1 प्यार। देव दी गैंग्स ऑफ वासेपुर और आगे ले चलना बस तेरे साथ रहना। अच्छा, नए एक्टर्स में ना विकी ने गजब की एक्टिंग का स्कोप है। संजू में भी अभी हमने हाल ही में देखा, उन्होंने बहुत ही गजब की एक्टिंग करी है। अभी नहीं होए, अभी तो मम्मी को गोभी के पराठे बनाने को बोल के आया। आलू के पराठे। प्यार करने के लिए छले टाप के आ सकता है, तू घर नहीं आ सकता। शादी की बात कर रहे हैं यार रूमी पर एकदम से, क्योंकि मैंने घर पे बोल दिया है कल आ रहा है विकी बात करने, और तू नहीं आया ना तो मैं किसी भी उल्लू के पट्टे से कर लूंगी ब्याह। अच्छा, उल्लू के पट्टे के नाम अभिषेक बच्चन की एंट्री है। बात बताओ, आप क्या बचपन से रामजी टाइप से? तुम क्या बचपन से ये डायन टाइप? मुझे ना तो नौकरानी चाहिए, ना एस्कॉर्ट चाहिए, ना आपकी नर्स चाहिए, मुझे मेरी लाइफ पार्टनर चाहिए। मम्मी का रिश्ता किसी और से कराया ना, काट के रख दूंगा। साले आशिकों की जान लेगा तू? तू डिसाइड करे कर लांदी। ठीक है जी, डिसाइड करके आपको फोन करूं कि व्हाट्सएप? मजेदार यार में बार बार में उतरे ना पाए ऐसा बुखार में। तूने तो कहा था ना भागना है। हाँ मैंने कहा था भागना है, क्योंकि तो बनना ना बड़ा सही है लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर हग देता है। सारा जग छड़ के बस तेनू ही है। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा प्यार है आपका। ये वो वाला है जिसमें जितना करो ना कम पड़ता है। जब ये रॉबी तुझसे प्यार करता है तब तो आंखें बंद करके मेरे बारे में सोचती है या फिर आंखें खोल के उसको देखती है। यू डिजर्व हिम, एक दूसरे के अंदर घुस जाना बस। यू मेक मी सिक। मुझे शादी नहीं करनी। हो गया हंजुआ दा दरिया। अच्छा, अभिषेक का एक सीन समझ नहीं आ रहा, कभी मोना है कभी मतलब सरदारों वाली पूरी पगड़ी बांधी हुई है, ये क्या चक्कर है? हेलो हनीमून, अच्छा जा रहा है मम्मी जी? मजा आ रहा है ना? हाँ जी मजा आ रहा है। तुम्हारी चाची जी बात करेंगे। हाँ चाची जी। मम्मी कैसा जा रहा है हनीमून? अच्छा जा रहा है हनीमून जी। मजा आ रहा है ना? नहीं इतना मजा नहीं आ रहा, वो क्या है ना इनको लास्ट मोमेंट पे याद आ गया कंडोम तो है ही नहीं, जब तक ले के आए तब तक। हेलो हेलो सबसे पहले तो ये कि इस पिक्चर में ना मुझे हीरो अभिषेक और विकी कौशल नहीं लगे, तापसी पन्नू लगी। जितना स्ट्रॉन्ग उनका कैरेक्टर दिखाया है उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने इसको निभाया भी है। काफी सारे सीन्स में वो दोनों हीरोज पर भारी पड़ जाती हैं। अच्छा, विकी कौशल का और जो तापसी पन्नू का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा आजाद ख्याल दिखाया है, मतलब दुनिया के नॉर्म्स और रस्मों रीति रिवाज की वो ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, जो उनके मन में आता है वही वो करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आके जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको वो फॉलो करना चाहती है। तापसी चाहती है कि विकी कौशल आए उसके घर पे, उसके माँ बाप के साथ उसके शादी की बात करे, उसका हाथ मांगे, लेकिन विकी शायद जो है जिम्मेदारियों से भागता है या वो डरता है या अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है तो वो नहीं आता है। तो एक सीन हमने देखा भी था, तापसी पन्नू कह भी देती है विकी कौशल से कि तू है तो लड़का बहुत बढ़िया लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे तुझमें दम नहीं है। अच्छा, विकी कौशल का जो कैरेक्टर है वो मुझे ट्रेलर के हिसाब से काफी इम्पल्सिव लगा, मतलब इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो चाहे वो खुशी हो, वो मतलब इन द मोमेंट जीता है। उसकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, उसकी कोई सोच के नहीं चलता, जैसे लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। एक सीन में हमने देखा भी था कि वो भागने का प्रोग्राम की कहती है तापसी, तो वो कहता है नहीं यार भागने का तो मन मेरा भी है पर अभी नहीं, अभी उन्होंने मम्मी को आलू के पराठे बोले हैं। तो ये आप एक सोच सकते हैं कि वो लंबा नहीं सोचता, वो कुछ आगे वो इन द मोमेंट जीता है, वो कहता है आज है जो है अभी है इसको जी लो। वहीं जो तापसी का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा मुंहफट तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के साथ साथ मतलब इमोशंस उसके कंट्रोल में रहते हैं, सिचुएशन को वो अपने कंट्रोल में रखती है। कोई सिचुएशन अगर बिगड़ भी जाती है तो वो पैनिक नहीं करती, कूल बनी रहती है, दिमाग उसका अपना पूरी तरह से ठंडा रहता है। ये एक वेलकम चेंज है आज के जमाने में हीरोइन के जो कैरेक्टराइजेशन को दिखाने का, नहीं तो नॉर्मली जो हिंदी मूवीज में ट्रेडिशनल सेंस में हीरोइन को दिखाते हैं वो
या तो बहुत ज्यादा बॉसी होती है या बिल्कुल ही एक जैसे टिमिड होती है, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए, अपने प्रेमी के ऊपर जान न्योछावर करने वाली है, उसकी याद में दिन बिता देती है। तो ये एक नए तरीके का जो ट्रेंड है और ये हमें ट्रेडिशनल मूवीज में या बड़े बैनर की मूवीज में नहीं मिलता है। ये हमें जैसे अनुराग कश्यप टाइप जो डायरेक्टर होते हैं उन्हीं की मूवीज में हमें इस तरीके के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ तापसी का कैरेक्टर एक ट्रेडिशनल मोल्ड में न होके एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ है। वहीं दूसरी तरफ जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही अपोजिट एंड पे जाके है। मतलब बहुत कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है, दिमाग ठंडा है, लेकिन दुनियादारी का बहुत ज्यादा ख्याल है उसको। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है वो। जब दो अपोजिट कैरेक्टर्स की बात होती है तो उनके बीच में डिस्कशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बताओ, आप क्या बचपन से रामजी टाइप से? तुम क्या बचपन से ये पूरे ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा जैसे तापसी का जो कैरेक्टर है वो दोनों मेल लीड कैरेक्टर्स के ऊपर भारी पड़ता है। पूरे ट्रेलर को देखने के दौरान मुझे बहुत कुछ, मैं सिमिलैरिटी नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसे इंस्पायर्ड है या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जब भी मैट का जो गीत का कैरेक्टर था जिसे करीना कपूर ने प्ले किया था, मुझे उस कैरेक्टर की काफी याद आई। जैसे मुंह फट है, बिंदास है, अपने मन का करती है, किसी की परवाह नहीं करती है, जो है जो उसको बोलना है, जो है जो उसको करना है, ट्रेडिशन और कस्टम्स की वो इतनी ज्यादा खास तौर से तवज्जो नहीं देती है, तो मुझे उससे मिलता जुलता लगा वो कैरेक्टर। हाँ, लेकिन यहाँ जो तापसी का कैरेक्टर है वो मुझे उस गीत के कैरेक्टर से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड और थोड़ा सा ज्यादा मुझे बोल्ड कैरेक्टर लगा, खासतौर से अपने थॉट प्रोसेस को लेके। उसका कैरेक्टर किस अंदाज में है आप इस एक सीन से ही समझ लीजिए। तुम्हारी चाची जी बात करेंगे। हाँ चाची जी। अच्छा जा रहा है मुझे। मजा आ रहा है ना? नहीं, इतना मजा नहीं आ रहा। वो क्या है ना, इनको लास्ट मोमेंट पे याद आया कि कंडोम तो है ही नहीं, जब तक लेके आए तब तक। तो दोस्तों, ये था मेरा मनमर्जियां का मेरा ट्रेलर रिव्यू। आपके इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आगे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।